मेरा मतलब है मैं कब तक तुम्हारा खाना इस तरह से शेयर करता रहूंगा गौतमी? क्यों, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, खाना तो तुम अच्छा बनाती हो, पर मैं सोचता हूँ कि तुम्हें क्यों तकलीफ दूँ। फ्रेंकली देयर इज नो तकलीफ, अपने साथ साथ अगर थोड़ा बहुत खाना मैं तुम्हारे लिए भी पका दूँ तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? थैंक यू गौतमी। अब प्लीज इतने फॉर्मल मत बनो, अब तुम मेरे साथ हो, जस्ट बी नेचुरल। ओके, कोशिश जारी है। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होगा, कम ऑन स्टार्ट हैविंग। तुम्हें पता है भाई, जब मैं इस एरिया में नई नई आई थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी भी एक जिंदगी होती है, फ्रेश एयर, ताजगी, खुलापन। काश ये खुलापन सारी दुनिया में होता। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सिर्फ दो लोग। मतलब मैं और मेरा घर। तो तुम अकेली रहती हो? अकेली कहाँ, अपने घर से बहुत दोस्ती है। आई जस्ट लव माय हाउस। पता है भाई, मेरे घर का अपना एक व्यक्तित्व है, एक आइडेंटिटी। दिन भर की थकान के बाद जब मैं घर वापस लौटती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे माँ की गोदी में चली गई हूँ। बहुत अच्छा लगता है, सेफ। मेरे घर की दीवारें, मेरे पर्दे, चौखट, सब बातें करते हैं मुझसे। इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन मेरे उस बेचारे घर की एक सौतन भी है। सौतन? हाँ, मेरा काम। ओह। कभी कभी तो लगता है कि यही मेरा घर है और सारे वर्कर्स मेरे फैमिली मेंबर्स। तुमने शादी नहीं की? अब भाई प्लीज डोंट बी टिपिकल। गौतमी, तुमने मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ी? अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई। इतनी डिटेल स्टडी कब कर ली तुमने? अपने प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी रिपोर्ट में तुमने जो नुस्खे बताए उनके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतने कम समय में इतनी आसानी से तुम समस्या की जड़ तक पहुंच गए हो। यू आर रियली ब्रिलियंट। नहीं नहीं, मैं कोई ब्रिलियंट विलियंट नहीं हूँ। तुमने मुझे काम ही इंटरेस्टिंग दिया है कि फिर भी बहुत निष्ठा है तुम्हारी अपने काम पर। कितनी सहजता से घुल मिल गए हो तुम यहाँ के कल्चर में। अबे कौन कहेगा कि तुम नानावटी खानदान के वारिस हो? था, मैं वारिस था गौतमी। लगातार झूठ बोल रहे हो तुम, लगातार झूठ। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। जुए में हार गया, ससुर ने पैसे लगाए, दोस्त मुसीबत में, झूठ झूठ सब झूठ। इतनी बड़ी जिल्लत और वो भी उस नौटंकी से। वाह, बहुत अच्छा दिन दिखाया बेटा तुमने, बहुत अच्छा दिन दिखाया मुझे। अरे सॉरी कहने से क्या होगा, बोलो क्या होगा सॉरी कहने से? ये नालायक संतान भगवान ने मेरे ही पल्ले क्यों बांधी? बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें? अगर वो हरामजादा तुम्हारे बच्चे का बाप होने का दावा करता है तो हमारी कितनी बदनामी होगी इसका अंदाजा है तुम्हें? और वो भी इस वक्त पर जबकि दिल्ली में हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। बाबूजी वो झूठ बोल रहा है। कौन झूठा और कौन सच्चा इसका फैसला तो होकर ही रहेगा। हम पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस? तुम बेवकूफी नहीं, बेवकूफों के सरताज हो, सरताज। पुलिस में जाकर अपनी इज्जत का मटका अपने हाथों से ही फोड़ना चाहते हो। अगर कोई अकलमंदी की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही तो कम से कम अपना मुंह बंद रखा करो। इडियट। पुलिस को इतना उठो और जाओ। जी जी, मैंने कहा उठो और जाओ। सुनो, तुम और अक्षय अभी इसी वक्त डॉक्टर देसाई से मिलने जाओगे। सुना तुमने, अभी इसी वक्त। बाबूजी को विश्वास नहीं है मुझ पर। पता नहीं, जानते हो इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब? ये कि मैं सबके नजरों में गिर चुकी हूं, मुझे सबके मुंह के ताने सुनने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम क्या जानो औरतों के बारे में? गलती तुम्हारी थी। मेरी? तुम्हें तो विश्वास है ना मुझ पर? हाँ। तुमने बाबूजी को कॉन्फिडेंस से कहा क्यों नहीं कि अक्षय तुम्हारा बेटा है? मैं
मैं कहने ही वाला था पर मैं झूठ। तुम कहना ही नहीं चाहते थे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी शक का कीड़ा मंडराने लगा है। पारो मेरा यकीन करो। मत कहो मुझे पारो। बुरे वक्त में जो पत्नी का साथ न दे वो पति कैसा। तुम देखना ये मेडिकल टेस्ट की चिंगारी हमारे रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। रिलैक्स पारो रिलैक्स। बहुत गंभीर समस्या है मेरे लिए ये। तुम और समस्याएं खड़ी मत करो। तुम क्यों राजी हो गए ये टेस्ट के लिए? अगर तुम्हारे सिक्के में खोट नहीं है तो डरती क्यों? वाह इसी की उम्मीद थी मुझे। इसका मतलब ये है कि मैं डर रही हूं। हो सकता है। हाउ डेयर यू समीर। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने तुमसे प्यार किया है समीर। प्यार तो तुमने उससे भी किया था। वो एक भूल थी। हर भूल की कीमत चुकानी पड़ती। तुम लोग मुझे कीमत चुकाने को कह रहे हो या सजा दे रहे हो? हम कौन होते हैं सजा देने वाले भाई। समीर मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? समीर प्लीज मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। तुम्हारे विश्वास की जरूरत है प्लीज। तुम अगर मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। समीर बाबी झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है समीर। तुमने बाबूजी को क्यों हाँ कह दी समीर? क्यों? मैं तुमसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहता पारो। उस वक्त बाबूजी इतने गुस्से में थे कि उनकी बात टालने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूं पारो कि तुम्हें इस बात से गहरी चोट पहुंची है लेकिन किसे फोन कर रहे हो? अक्षय को बोर्डिंग स्कूल में। हेलो हेलो इज इट सेंट एंजेलो बोर्डिंग स्कूल? हाँ जी कैन आई टॉक टू फादर डिसोजा प्लीज? फादर डिसोजा जी मैं समीर नानावटी बोल रहा हूं बंबई से। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बात यह कि अक्षय के लिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। जी हां थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो एक मिस्टर गोपीनाथ आएंगे उसे लेने के लिए तो उसके साथ भेज देना ठीक है सर? हाँ जी थैंक यू। नहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है सर। एक फैमिली गेट टुगेदर ही है। हाँ ठीक है सर। ओके सर थैंक यू। कब आ रहा है अक्षय? कल दोपहर तक। पता नहीं डॉक्टर देसाई के वहां क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग। अरे उठिए जी उठिए। देखिए मिस्टर सूरज अपने किरणों के साथ कब से हाजिर हुए हैं। ओह केतन प्लीज सोने दो मुझे। अरे मीनू उठो ना प्लीज। देखो 10 बज रहे हैं मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम जाओ। मुझे क्यों परेशान करते हो? उठो मीनू। ओह केतन ये ओफो बिफो बाद में कर लेना। कितना गंदा लगता है मीनू। तुम इतनी देर सुबह तक खर्राटे भरकर सोती रहती हो और बेचारी माँ को सारा काम करना पड़ता है। देखो मीनू घर की लक्ष्मी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जस्ट शट अप ओके। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। किसे कहा था? मैंने? तुम्हारे कहने या ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता केतन। लेकिन तुम्हारे इस आलसीपन से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आलसीपन? मैं तो सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ। तो किसने कहा था रात भर जागने को? मैं रात को जाकर टीवी नहीं देख रही थी। मैं पढ़ रही थी। पढ़ रही थी? अरे कहीं फिर से कॉलेज वाले ज्वाइन तो नहीं कर ली तुमने? यही तो तुम्हारा दिमाग घास चलने जाता है। कॉलेज में पढ़ाई नहीं की जाती, कॉलेज के बाद की जाती है। कॉलेज के बाद पढ़ाई? मैं ये पढ़ रही थी सुबह 4 बजे तक। अरे तुम्हें क्या लेना देना इन बिजनेस की किताबों से? पढ़ना है तो लव स्टोरीज पढ़ो, मिल्स एंड बून पढ़ो, आर्चिस पढ़ो। देखो मीनू ये मोटी मोटी किताबें नाजुक नाजुक लड़कियों के लिए नहीं होती। लगता है तुम दिमाग से अभी भी पिछली सदी में जी रहे हो। आजकल की लड़कियों के लिए यही मिल्स एंड बून्स है और यही लव स्टोरीज। ओ सो कॉल्ड वुमन लिबरलाइजेशन। केतन प्लीज डोंट मेक फन ऑफ इट। मैं अपने एम्बिशंस के लिए कितनी डिटरमाइंड हूँ शायद इसका अंदाजा तुम्हें जिंदगी भर नहीं होगा।
तुम्हारे एम्बिशंस को मैं समझ पाऊं या ना समझ पाऊं ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूं मीनू कि इतनी देर तक तुम्हारा बिस्तर में पड़े रहना ठीक नहीं है। भले मेरी माँ तुमसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसकी मदद करो, उसके काम में हाथ बटाओ। आखिर कब तक वो अकेले घर का सारा काम संभालती रहेगी? कौन कहता है उन्हें इतना काम करने को? घर में दो दो नौकर है, वो लोग किस लिए है? पगार खाने के लिए? उन्हें दो काम। तुम्हारी माँ को तो आदत पड़ गई है मजदूरी करने की। मीनू चिल्लाओ मत तुम, और हाँ मुझे सोने दो यहाँ, ज्यादा टिटर मत करो। रिपोर्ट आ गई है, और ये रिपोर्ट कहती है कि एक मिनट डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बात तुम जरूर जान लो कि इस मामले की किसी को भी, आई रिपीट, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल राज रहनी चाहिए। जरूर रहेगी पुरुषोत्तम जी, मैं वचन देता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की वजह से तो हूं। आपने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये बात मैं हमेशा के लिए मेरे दिल में दफना चुका हूं, एंड इट विल रिमेन अ सीक्रेट, अ सील्ड सीक्रेट, आई प्रॉमिस। थैंक यू डॉक्टर, इसीलिए मैंने आपको पर्सनली बुलाया है। इट्स माय प्लेजर। टाइफाइड। टाइफाइड? सारे के सारे लक्षण टाइफाइड के हैं। शंकर का पूरा परिवार टाइफाइड से पीड़ित है। ओह माय गॉड। और वो पंचायत के दवाखाने में तो टाइफाइड की दवाइयों का स्टॉक बहुत कम है। हे भगवान, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये बीमारी पूरे हवा खो जाएगा। डेफिनेटली। और शंकर, शंकर की हालत गंभीर तो नहीं है? गंभीर हो सकती थी अगर ठीक वक्त पर उसकी बीमारी का पता न चलता तो वो शायद मर भी सकता था। थैंक गॉड। और शंकर का बच्चा? हाँ वो ठीक है। वैसे ये आदिवासी लोगों के बच्चे बहुत हट्टे कट्टे रहते हैं, इसलिए उनके आसपास कोई छोटी मोटी बीमारी फटकती भी नहीं। फिर भी अभी देखो। डोंट वरी, डॉक्टर फड़के की सावधानी की वजह से एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। फिर भी गांव वालों को सावधानी बरतनी होगी। तुम कह रहे थे कि पंचायत के दवाखाने में दवाइयाँ भी कम है। अबे सुनो प्लीज, हमें वो दवाइयाँ जल्द से जल्द मंगवानी होंगी। हाँ गौतमी, डोंट वरी, मैंने पीना को बोरीवली दवाइयाँ लाने के लिए भेजा है, वो शाम तक आ जाएगा। दैट्स ग्रेट अबे, लेकिन दवाओं के लिए पैसे? पैसे इम्पोर्टेंट है या दवाइयाँ? सपोज ये बीमारी पूरे गांव में फैलती है तो पैसे काम आएंगे या दवाइयाँ? बात तो सही है, लेकिन पैसे मैंने दिए थे। क्या? हाँ। तुमने? हाँ। तुम गांव वालों के लिए इतना करती हो तो मैं थोड़ा बहुत कुछ भी नहीं कर सकता? अभी लेकिन ये दवाइयाँ बहुत महंगी होती है। तो गांव वालों की जाने भी सस्ती नहीं है? मेरे आधे पेट रहने से अगर किसी की जान बच सकती है तो इससे बढ़कर और कोई खुशी मेरे जीवन में नहीं है। आदर्शवाद मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन एक जीती जाती मिसाल अपनी आंखों के सामने पहली बार देख रही हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अभय। आने वाले दो दिनों में हमें गांव वालों को टाइफाइड के बारे में शिक्षित करना है। हाँ। और हाँ, डॉक्टर फड़के के साथ मेरी बातचीत भी हो गई है, वो यहाँ हमारे साथ आकर ठहरने के लिए तैयार भी हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब हम तीनों मिलकर यही कोशिश करेंगे कि गांव में टाइफाइड का कोई भी मरीज नजर न आए। अरे हाँ, वो रघु है ना रघु, उसने कुछ पोस्टर्स के डिजाइन भी बनाए हैं। पोस्टर्स? वो कहते हैं ना कोई बात सुनने से ज्यादा देखने के बाद इफेक्टिव लगती है, उसने कुछ पोस्टर्स के विजुअल्स भी मुझे बताया, मैंने कहा लगा दो। फैंटास्टिक। अच्छा हाँ, और नाले की सफाई के बारे में भी हमें कुछ करना होगा। क्या तुम नाले साफ करो? हाँ, इसमें क्या हुआ, अरे बढ़ती गंदगी से ही तो बीमारियाँ फैलती है। और फिर कचरा उठाने में या नाले साफ करने में किस बात की शर्म? कमाल हो तुम, तुम्हारा बढ़ता जोश देखकर तो मेरा भी उत्साह और बढ़ गया। रियली? हाँ, वरना कुछ सालों पहले अगर मुझसे कोई वॉश बेसिन भी क्लीन करने के लिए कहता तो मैं तूफान खड़ा कर देती। मुझे यकीन नहीं होता। अरे बहुत नकचड़ी लड़की थी मैं, जिंदगी में दुख और गंदगी का साया तक नहीं पड़ने देना चाहती थी मैं। फिर एक दिन जाने दो। बताओ गौतमी क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर कभी चलो हमें शंकर से मिलने जाना है। चलो
कुछ देर बाद जाएंगे। पीलो, पानी पीलो। क्या हाल है ब्राजी? बड़े दिनों के बाद याद आई है हमारी। आज हम टिकड़ा आ गए, रब दी दुआ। अभी? हाँ अभी तो ब्राजी मैं एक मीटिंग में हूँ। ना 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 ना, फिर कभी। हाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। हाँ नहीं नहीं ब्राजी, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ठीक है ओके ओके ओके। हाँ बेवकूफ, बॉबी आनंद इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। आज के बाद अगर तुमने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं तुम्हारे रीढ़ की हड्डी कुचल डालूंगा। मेरे पोते का दावा करते हो ना तुम कि तुम मेरे पोते के बाप हो? जाओ पीटो ढिंढोरा, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटो, फिर मैं देखता हूं कि जिंदगी में तुम कैसे बाप बन सकते हो।